किसान भाइयों, ये है 5245 DI मैसी फर्गुसन। इसके बारे में मैं किसान से पूरी जानकारी लूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पास में खो जाओ। जो साहब, ये कौन सा मॉडल है जी? ये 2007 मॉडल। आप यहाँ खो जाओ सामने। साथ आपने नया लिया था? बिल्कुल बिल्कुल नया लिया भाइयों, नया लिया था चोई साहब ने। तो इसके बारे में थोड़े बताओ, इसकी तारीफ या बुराई जो भी हो। तारीफ क्या है? तारीफ तो इसकी जितनी कहूँ मैं कम ही कम है सारी। मतलब कोई धोखा दिया कभी ने? ये लगा लो जी, 16 साल हो लिए ट्रैक्टर। 16 साल? 16 साल में पहली बार पंप हुआ है, पहली बार इसके स्लिप पिस्टन गिरे। तो और जबकि ट्रैक्टर चला इतना है कि तीसरी जोड़ी टायर है इसमें नहीं। तीसरी जोड़ी टायर है जी? पूरे घसा के तारे? हाँ, पूरे के सारे। तो फिर तो बहुत चल गया होगा ये। हर आदमी जांच नहीं करता कि ट्रैक्टर इतना चला है। ये चल गया 20,000 घंटे? 20,000 ज़्यादा है। चल गया होगा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे सब राज के 10,000 घंटे में टायर 4 आने रह गए थे। और इसका अभी 3-4 दिन पहले ही इंजन करवाया है, स्लिप पिस्टन गिरे हैं। तो इंजन में वही बात आगे होने के बाद? बिल्कुल वही है। अभी स्टार्ट करके आपको दिखा दूँ, आवाज़ देखो इसकी। एक बार आवाज़ सुनवाओ इसकी आप पहले। भाई देखो, 5245 है, क्या शानदार आवाज़ है। भाइयों बहुत बढ़िया आवाज़ ट्रैक्टर की। बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़ होगी इसकी तो। वही ओरिजिनल आवाज़ जो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ को आ जाओ, उस टाइम आपने चोई साहब कितने का लिया था? ये मेरे अंदाज में 370 या 380 करीब था। अब तो आना बंद हो गया शायद ये ना? अब तो आई नहीं जाएगी, अब तो ऑर्डर ही करेंगे तो। ये कितने कागजों पर, कितने HP का? ये 54 में है जी। 54 में? हाँ जी। बाद में बंद कर दिया फिर ये? बंद कर दिया। 14 के टायर हैं इसमें? हाँ, इसमें शिकायत ये बताए थे लोग आगे, कड़े पिनियन की शिकायत बताए थे। कभी तोड़ा आपका? हमारा नहीं, हमारा खुला ही नहीं आज तक। तो हमारा गेयर बक्सा नहीं खुला आ रहा है, डोली ये टूटते उनके हैं जो ऊट पटांग चला हुआ, ये मैंने देखा। देखो हमारे कड़े पिनियन में आज तक हमने ना खुलवाया, ना कोई दिक्कत है, ना आवाज़। जबकि पूरे लोड पर चला लिया आज तक। रूटर थ्रेसर, 2 थ्रेसर तार दिए, तीसरा थ्रेसर है ये, खड़ा ही थ्रेसर भी। तो भाई ये देखो, सादी मशीन है, आले लाने पे तो ये ऐसे ही मार दे ट्रैक्टर की। तो लाने पे कितना औसत देवे तेल का? तेल का तो जितना अगर हम थ्रेसर बड़ा है लोड दे हैं तो करीब ये मानो 5-5.5-5.5। जो सुखा लाना 15-16 घंटे काट देता हूँ। घंटे में 10 बीघे के लाख कुछ साफ कर दे, 1 घंटा लगन दे 10 बीघे में। बताओ और कम से कम 7 आदमी लेबर के रहे? 7 आदमी लेबर के। अगर गंडरसिंग मशीन ले ले तो फिर 3-4 लीटर लेके जाएगा। अब तो गंडरसिंग मशीन का जमाना आ गया। भाई ये देखो, जो साहब ने बीच में काम कराया, लिप पट्टी बदलवा दी, क्या कट गई थी सब, ये नहीं बदलवा दी, बड़ी सब गिरवाई। बाकी ये पिछला हिस्सा नहीं खुला गिर बक्सा का? अभी नहीं खुला जी, बस लेदर गिरवाए इसके, अब लेदर करवाए थे। जब आपने इंजन कराया कितना खर्चा आ गया अंदाजा? भाई ये लगा लो जी, करीब मेरे ख्याल से सारा करवाने में 50,000 के करीब बैठ जाएगा। 50,000? भाई फिर ट्रैक्टर दोबारा नया हो गया? ऐसे नहीं, आपके मन में नहीं आया एक बार कोई चीज़ देखे तो नया निकलवा लें? मन ही ना करता ही ट्रैक्टर देने को, लड़का जिद कर रहा था मेरे से, उनका पापा का वोट डालू इसे बदल दो। मैं कहा भैया मैं जब तक जिंदा हूँ मैं ट्रैक्टर नहीं दूंगा, मेरे बात तो कुछ कर लेंगे। मतलब आपका मन ऐसा बस रहा कि मन नहीं करा? मन क्या, इतना वफादार ट्रैक्टर जो मेरे पे तामझाम है इसी की बदौलत। भाई ये देखो कितना यंत्र है घेर में भरा पड़ा, सब यंत्र हैं घेर में, सभी इसी कमाई बता रहे हैं। सबसे पहला ट्रैक्टर था इसी की मेहरबानी है। तो आपने पहले ये लिए थे से पहले और भी था ट्रैक्टर? मैंने पहले मेरे पे सादा मैसी था, वो दे दिया, फिर मैंने लिया महिंद्रा 265, वो नहीं चला, वो 1.5 साल में नया दे दिया। फिर न्यू हॉलैंड लिया 3230, वो भी नहीं चला, वो भी नहीं चला ही, उसने क्लिच प्लेट तोड़ दी। यही पसंद आया आप? बट मैसी के हम तो ज़्यादातर पसंद करने वाले ही मैसी है हम तो आज तक क्लिच वगैरह कोई गड़बड़ नहीं हुई इसकी? देखो क्लिच प्लेट तो गिर गई, वो तो एक ऐसी चीज़ है कि वो तो हर वक्त चले घिसे। इसका तेल का एवरेज कितना आ जाए रूटर वेटर चलाओ? रूटर पे ये मानो जी 5 का एवरेज दे, 5 लीटर 1 घंटे 5 बीघे जोत भी देता वो। हाँ मतलब लीटर भी 5-6 बीघे काट दे, मतलब 1 लीटर भी का खर्चा। हाँ और जाते ही आवे सब, एक से कम भी पड़ जाए, इसे कम पड़ जाए 7 फुट रूटर बैठ, लेकिन 7 है रूटर बड़ा है, इसकी गहराई ज्यादा है। गहराई ज्यादा है, ये तो आ ही नहीं रहा रूटर। अच्छा, मैं शक्तिमान वालों से पूछ रहा, मैं कहा भाई आ रहा अनु का जी, दाऊ जी घेरे रखो, मैं कहा बदल दो यार इसे। ये कौन सी कंपनी का? यो शक्तिमान का ही। शक्तिमान का तो बड़ा भारी है, वजन में भी ज्यादा है भारी, यो चैंपियन है, चैंपियन ये नहीं आ रहा, ये अब तो वो आ रहा सेमी चैंपियन। तो ये कै साल पुराना जी?
ये तो ही है, मान लो साथ में लिया हमने ट्रैक्टर के साथ। भाई ये 1500 साल हो गए पेंट करवाया, खुला नहीं आज तक। पेंट करवाया इसमें एक बार, पेंट एक बार कराया, एक बार पेंट करा। भाई ये देखो कितना भारी है, मजबूत, इसे मैस्टी खींचता है। गहराई बहुत है इस रोड, गहराई बहुत है। इसका मतलब ट्रैक्टर को मन नहीं करता देने को आपका? ना ट्रैक्टर नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, बाद में बालक कुछ करिए। पर हमने बालक भी नहीं देने की जब ट्रैक्टर बढ़िया जी नहीं देने का। भाई 200,000 घंटे चल के जिन्हें 3 जोड़ी टायर बदल लिए, तीसरी जोड़ी 2 जोड़ी टायर बदल दिए। MRF के आए थे, फिर MRF के गिरवाए, अब क्या मैंने गिरवाए। कभी ट्रैक्टर ने कभी धोखा नहीं दिया रास्ते में? ना जी कभी नहीं। जे जे जैसे आप टीलर वगैरह चलाओ तो उस पर क्या हो सकता है इसका? उस पर तो डीजल का खर्चा बहुत कम है। कम है डीलर को तो नोके भी तो मानता है ना, कहीं छोड़ दो पूरी हाइड्रोल छोड़ दो। और जरा आपने और ट्रैक्टर रखे इसे रख रहे हो तो खर्चा कम है इसका सबके मुकाबले? देखो हर ट्रैक्टर का वो ये है कि जैसा लोड वैसा खर्चा। अब 241 की बराबर मान लो उसके बराबर तेल लेगा, लेकिन काम उससे ज़्यादा खींचते जी। आजकल नए मोटर आ रहे हैं ऊंचे पायदान के, मन नहीं करता ऊंचे पायदान को? ना जी हमें तो यही बढ़िया लगे भाई। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, चोई साहब किसी तरह की बात मानने को तैयार नहीं है। मैं 180-200 कट्टे ट्रॉली में ले जा आलू के भर गए बड़े आराम से। स्टेरिंग करवाया है नहीं अभी? हाँ स्टेरिंग मैंने इसमें पुराना कटवा के जो पहला था वो नहीं कटवा के नया गिरवा दिया 2 साल पहले। कितने कागज थे स्टेरिंग? नहीं रिपेयर नहीं करवाता जी। स्टेरिंग कितने कागज थे वैसे जी? ये आया था 7,000 का। 7,000 का स्टेरिंग आया, ये बढ़िया रहा। तो ये 41 का सबका एक ही है, कुछ फर्क है? सब एक है, सब एक है भैया। देखो स्टेरिंग 41 का 45 का सब एक है जी, ये बढ़िया रहा। नया लगवा दिया। ये पल्ली यहाँ तक आया हुआ, इस प्लेट तक? हाँ ये प्लेट आई पूरी, ये बढ़िया सारा ही था। बहुत बढ़िया जी भाई। ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में है जी, देख लो आप। इसमें गियर के 3 गियर है, 4 है जी, 4 गियर है। ये जो हमारा 245 है सेम वही पिछला हिस्सा है इसका। थोड़ा पिछला हिस्सा तो नेड़ा इसका, थोड़ी भीड़ सी था इसमें। नहीं देखो इसमें आप तो नए ट्रैक्टरों में तो खैर पायदान भी और वैसे बैठने के लिए बहुत बढ़िया जगह दी है। हाँ जी लेकिन इसमें पहले ये नेड़ा है थोड़ा। तो आपने सपोर्ट लगवाई नीचे लिपट्टी के? हाँ ये बिना सपोर्ट के नहीं, पहले भी लगवा दी मैंने तो। अच्छा जी अच्छा, फिर टूटती ना नहीं मॉडल की? मोटर टूटने का डर नहीं रहता है, रूट तकड़ा है ना तो झटके मारे है। हाँ, सही करे जी, खड्डे में कहीं आ गया झटका लगा एकदम तो ये तो बड़ी जा फिर। हाँ जी और ये भी साथ के साथ में लगा दी पिन लगाने के लिए। हाँ ये लगवाई है अपोलो का टायर है भाइयों। चो साहब बिल्कुल भी तैयार नहीं बेचने, किसी भी कीमत पे बेचने को तैयार नहीं है ट्रैक्टर को भाइयों। अगर किसी को मैसी का तो वे कह रहे रामा वाले वहाँ हापुड़ में स्पेयर पार्ट का सामान लाऊ हूँ जी, वो नु कह रहे भाई साहब मैसी में तो पैसा लगा दो। हाँ जी फिर नया का नया। सही कर, मैसी कभी पुराना नहीं होता। अगर कोई किसान किराए भाड़े के हिसाब से ले मैसी 52-45 को पुराना लेना चाहे तो ले ले आंख मीच के, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं भाइयों। किसी को मिलता हो 52-45 54 HP में कोई भी लेना चाहे 2.5-3-4 लाख जितने का हत्ता लगाया मतलब अपना सेकंड हैंड ले लो, बहुत बहुत एक चीज़ है, लॉन्ग लाइफ चीज़ है। नुकमे मैस्टिक अगली लीक हो जाए जी ऐसे कुछ नहीं है ना? ऐसा तो कोई दिक्कत ना है, एक दफ़े मैं इनसे लिख भाई हमने तो बस, और कोई भी लीक नहीं। तो भाइयों कोई लीकेज नहीं है, बहुत एक चीज़ है भाइयों। वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना।